नमस्ते दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे एंड अपनी तैयारी भी खूब अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि नेट का जो एग्जाम है वो ऑन द हेड है। ठीक है, तो सीरीज को कंटिन्यू देखिए एंड मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है कि आप लोगों का जो नेट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप लोग जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आप लोग को कामयाबी जरूर हासिल होगी। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मैं द राउटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश ब्रिटेन एंड आयरलैंड को की बुक को कवर करा रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 to 6 नहीं देखा है तो प्लीज मेरे चैनल पर जाके देख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और ये पार्ट 7 है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा कोट है आप लोगों के लिए, वक्त का काम तो गुजरना है, अच्छा है तो शुक्र करो, बुरा है तो सब्र। क्या खूब कहा है ना किसी ने कि वक्त का काम ही है गुजरना। अगर अच्छा है तो ऊपर वाले से उसका शुक्रिया करो एंड अगर बुरा है तो सब्र करो, क्योंकि एट द एंड अच्छा जरूर होगा। कभी भी अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता, अंधेरा खत्म होके उजाला जरूर होता है। एंड अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, आप लोगों को सहन शक्ति होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए हर चीज को टैकल करने की। ठीक है, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहो एंड खुद को इतना हिम्मती बनाओ कि आप लोग टैकल कर सको उस बुरे वक्त को। ठीक है, उम्मीद है ये छोटा सा कोट आप लोग की लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर डालेगा। चलिए अब क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच शेक्सपियरियन हीरो इज कंसिडर्ड द एपिटोम ऑफ द रेनेसा ट्रेजिक हीरो। सो हियर इज द करेक्ट आंसर, इट इज हैमलेट। ओके, हैमलेट बाय शेक्सपियर। इन शेक्सपियर्स अर्ली प्लेज हु आर मेनली द हीरोज। सो हिस्टोरिकल फिगर किंग्स ऑफ इंग्लैंड। लाइक शेक्सपियर के जो पहले के जो उनके प्लेज हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि उसमें जो मेन हीरोज हैं वो हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, जैसे कि किंग्स ऑफ इंग्लैंड आप लोगों ने देखा ही होगा, रिचर्ड, हेनरी, ये सब के ऊपर शेक्सपियर ने काफी प्लेज लिखे हैं। हम लोग आगे उसको एकदम क्रोनोलॉजिकली डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वाज शेक्सपियर्स अर्लीस्ट कंसर्न इन हिज प्ले। सो किंगशिप एंड हिस्ट्री, उनके पहले के प्लेज में उनका क्या कंसर्न रहता था, वो किंगशिप और हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करते थे। ठीक है, फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि उन्होंने कॉमेडीज, ट्रेजेडीज ये सब लिखना शुरू किया है। हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट ओवर हिज करियर। सो दिस इज द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आई हैव एवर सीन इन नेट एग्जाम्स एंड सीयूईटी एग्जाम्स एंड बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने ये वाला क्वेश्चन रिपीट होते हुए देखा है। सो द करेक्ट आंसर इज 37 प्लेज। अगर आप लोग बीए या एमए में हो और देख रहे हो वीडियो, तो बेटा आप लोग का जो एग्जाम होता है उसमें भी अगर आप लोग को प्रिस्क्राइब है शेक्सपियर का कोई प्लेस, तो उसमें भी आप लोग का जो एमसीक्यूज आएगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन एकदम आता ही आता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड ये जो नंबर है ये आपकी लिप्स में होना चाहिए, कोई भी पूछे एकदम तुरंत जवाब दे दो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड शेक्सपियर ऑल्सो राइट असाइड फ्रॉम प्लेज। सो वो क्या लिखते थे, सोनेट कलेक्शन एंड लॉन्गर पोएम्स। ठीक है, वो प्लेज को छोड़ के सोनेट कलेक्शन लिखते थे एंड लॉन्गर पोएम लिखते थे, याद रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट स्टेज डिड शेक्सपियर यूटिलाइज टू इफेक्टिवली रिलेट टू हिज ऑडियंस। सो थ्रस्ट स्टेज, राइट। नेक्स्ट, विच ट्रैवलर्स वर्क इन्फ्लुएंस शेक्सपियर्स एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन सोल्स ज्योग्राफी। सो रिचार्ड हैक्लूड। ठीक है, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ना हम लोग शेक्सपियर के थोड़े से प्ले को डिस्कस कर लेते हैं क्रोनोलॉजिकली, जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प करेगा। एंड मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो शेक्सपियर का प्ले है ये क्रोनोलॉजिकली जो पूछा गया है, ठीक है, ये ना सीयूईटी पीजी के एग्जाम में इस बार 2024 में पूछा गया था कि शेक्सपियर का क्रोनोलॉजी क्या
कपले आपको बताना है, ठीक है। उसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे एंड आई गेस कि दो क्वेश्चंस थे ऐसे, और नेट में भी काफी ज्यादा पूछा जाता है क्रोनोलॉजिकली बेस्ड क्वेश्चन। सो आप लोग को तैयारी जो है वो अच्छे से करनी होगी, और टीजीटी पीजीटी का तो आई गेस ये फेवरेट टॉपिक होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इनका जो प्ले, अर्ली प्लेज, इनका डेट क्या है? 1589 टू 1593। ओके, सो सबसे पहले इनका प्ले है नंबर वन पे किंग हेनरी फोर पार्ट वन, फिर हेनरी सिक्स पार्ट वन, देन हेनरी सिक्स का फिर पार्ट टू आया, फिर पार्ट थ्री आया, ठीक है। और इनकी टाइमलाइन क्या रही थी? 1589 टू 1593। ओके नेक्स्ट। फिर टाइटस एंड्रोनिकस, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द टेमिंग ऑफ द श्रू, किंग रिचर्ड टू। नेक्स्ट। फिर देखिए प्ले, अब 1593 से 98 में उन्होंने क्या क्या लिखा? किंग जॉन, लव लेबर्स लॉस्ट, रोमियो एंड जूलियट, मिड समर नाइट ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग रिचर्ड टू, हेनरी फोर पार्ट वन, हेनरी फोर पार्ट टू, द मेरी वाइव्स ऑफ विंस्टर। एंड उन्होंने 1598 और उसके आगे क्या क्या प्लेस लिखा है? सो मच एडू अबाउट नथिंग, किंग हेनरी फाइव, जूलियस सीजर, एज यू लाइक इट, हैमलेट, देन नेक्स्ट, ट्वेल्थ नाइट, ट्रॉलियस एंड क्रिसीड, ऑल वेल्स दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, टाइमन ऑफ एथेंस, क्रियोलानस, पर्सिलेस, सिम्बेलिन, द विंटर स्टेल, द टेम्पेस्ट, किंग हेनरी एट। ठीक है, जनरली लोग बोलते हैं कि जो टेम्पेस्ट है ये उनका लास्ट प्ले है, क्योंकि इसमें जो है वो शेक्सपियर खुद ही एक लाइन बोलते हैं कि अब मेरा स्टेज से अलविदा लेने का टाइम आ गया है, ऐसे करके वो कुछ बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, आप लोग एक बार गूगल कर लेना, ठीक है। स्टेज पे ये कुछ ऐसा डायलॉग बोलते हैं, फिर उसके बाद शेक्सपियर अपने प्लेस को लिखना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इनका लास्ट प्ले टेम्पेस्ट को माना जाता है। वॉट वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ शेक्सपियर राइटिंग करियर? सो इंग्लिश हिस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो हिस्टोरिकल प्लेस ज्यादा लिखते थे सबसे पहले, ठीक है। विच इवेंट मार्क द हाई पॉइंट ऑफ एलिजाबेथन रेन इन्फ्लुएंसिंग शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्लेस? सो द डिफीट ऑफ स्पैनिश अर्माडा। ओके नेक्स्ट। विच शेक्सपियरियन प्ले एग्जामिन्स द पर्सनैलिटी ऑफ हेनरी सिक्स? सो हियर इज द करेक्ट आंसर, हेनरी सिक्स पार्ट वन टू थ्री। ओके, विच शेक्सपियर कैरेक्टर इज डिस्क्राइब एज द एपिटोम ऑफ मैकियावेलियन एविल? सो रिचर्ड थ्री। ओके नेक्स्ट। विच सोनेट कंटेन्स द लाइन्स, वेन इन डिसग्रेस द विथ फॉर्च्यून एंड वेन साई आई ऑल अलोन बिवीप माई आउटकास्ट स्टेट? सो सोनेट नंबर 29, ये ना ऐसे पूछ लेते हैं, लाइक आपको लाइन्स दे देंगे, ठीक है, एंड पूछ लेंगे कि ये कौन सा सोनेट का है, ठीक है। तो आप लोग को जनरली इन्होंने बहुत सारे सोनेट्स लिखे, तो आप पॉसिबल तो नहीं है कि आप इतने सारे सोनेट्स की लाइन करोगे, बस आपको सिंपली गूगल पे टाइप करना है मोस्ट फेमस सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर, देन उसको जाके एक बार गो थ्रू कर लेना, दैट्स इट, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। हाउ मेनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट एज नोटेड इन द टेक्स्ट? इन द टेक्स्ट का यहाँ पे मतलब है जो राउटलेज की बुक है उससे, उसके हिसाब से शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे, क्योंकि मैं उसी की बुक से बना रही हूँ, सो यू कैन इग्नोर दिस लाइन, ठीक है। यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। हाउ मेनी सोनेट डिड शेक्सपियर राइट? सो करेक्ट आंसर इज 154। विच लॉन्गर पोएम डिड शेक्सपियर इज मेंशनड एज बीइंग रिटन इन सेस्टा रिमा? सो वीनस एंड एडोनिस, ठीक है, ये याद रखना, सेस्टा रिमा में उन्होंने कौन सा सोनेट लिखा है जो कि लॉन्गर पोएम है? सो वीनस एंड एडोनिस। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारे शेक्सपियर का जो पार्ट है वो खत्म होता है फ्रॉम राउटलेज, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में आएगी, उससे मैं आपको एमसीक्यूज एक्सट्रैक्ट करके दे दूंगी, ठीक है। एंड आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दो, एंड आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग इसको ना शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप लोग ही दूसरों की हेल्प कर सकते हो, एंड अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो ऊपर वाला भी आपकी हेल्प जरूर करेगा, ठीक
ठीक है, तो ये वीडियो नीडी पीपल्स तक जरूर पहुंचाओ, ठीक है, जिनको तैयारी करनी है किसी भी एग्जाम की, क्योंकि आप लोग सभी जानते हो कि कोचिंग्स रहे या ऑनलाइन कोचिंग्स रहे कितनी ज़्यादा महंगी होती है, लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उन बच्चों तक भी पहुँचाओ जो कि नहीं देख पा रहे इस सीरीज को, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर नहीं आई या फिर कुछ ऐसी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी पूरे वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आंसर कर दूंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।